मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, वार्ड पार्षद 37, धनबाद नगर निगम। आज स्टार सिटी 24 न्यूज को मैं 3 वर्ष पूरे होने पर इस स्थापना दिवस पे उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से ये खबरों को, सही खबरों को प्रकाशित करते आ रहे हैं, आगे भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरह काम करते हैं। घटवार घटवाल आदिवासी महासभा के एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय बैठक गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में किया गया। घटवार घटवाल आदिवासी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कृष्णा सिंह हटवार के नेतृत्व में एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय बैठक गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में रखा गया, जिसमें झारखंड प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से घटवार समाज के कार्यकर्ता लोग उपस्थित हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगे की रणनीति को लेकर किया गया। वहीं महासभा के उपाध्यक्ष जी का कहना है कि गुलाम भारत में हम लोगों को आदिवासियों का लाभ मिलता था, लेकिन आजाद भारत में हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आज हमारे बाल बच्चे रोड पर आ गए हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर घटवार घटवाल के लोगों को हक और अधिकार मानने का काम कर रही है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार हम लोगों का अधिकार अगर नहीं देती है तो आने वाले दिन में हम लोग प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। चाहे वह रेल रोको आंदोलन हो, चाहे सड़क जाम करना पड़े, चाहे मरना भी पड़े, तो हम लोग अब पीछे नहीं हटेंगे। और जो भी क्षति होगा उसके जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार होंगे। आखिर कब तक घटवालों के साथ अन्याय होते रहेंगे? अब घटवार घटवाल का बेटा बेटी जाग चुका है, कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, जोहार, जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय और आप देख रहे हैं स्टार सिटी। इस वक्त मैं गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में हूं और यहां पे घटवाल घटवाल आदिवासी महासभा के प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है। हम यहां के बुद्धिजीवी लोगों से जानने का प्रयास करता हूं कि कौन सी काज बैठक था और क्या कुछ कहेंगे घटवाल समाज के लोगों ने। सबसे पहले सर, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। मैं भी घटो आदिवासी महासभा की तरफ से आपके चैनल को स्वागत करता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ संवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले बात है कि मैं घटो और घटवाल इस प्रदेश के मूल आदिवासी सूची में शामिल है। आज ये जाति के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां और संविधान के बैठे हुए पदाधिकारी लोग हम लोगों की मांग को अनसुनी करते हैं, सौतेला व्यवहार करते हैं। बरसों से आंदोलन चल रहा है, कई एक लोग शहीद भी हुए हैं, लेकिन आज तक हमारी मांग को सरकार ने पूरी नहीं की है। इससे पूर्ण रूपये ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोषी है। आज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि बरसों आंदोलन चलते रहा है, इस बार आर पार की लड़ाई के लिए घटवार समाज के लोग तैयार हैं। अभी तत्काल हम लोग का प्रदेश की एक संयोजक मंडली बनी है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि से बात करेगी, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री राज्यपाल से बात करेगी। अगर बातचीत के क्रम में प्रतिनिधिमंडल आश्वस्त नहीं होता है कि हमारा इन लोग काम करेगा, अगर प्रतिनिधिमंडल को लगे कि काम नहीं हो सकता है, तो पूरे राज्य में आर पार की लड़ाई होगी, नाकेबंदी होगी। घटवार के बाल बच्चे मरने के लिए तैयार हैं, जब तक अधिकार नहीं मिलेगा। आज यही मैं संवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। 70 के दशक से इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं घटवार समाज के लोग, लेकिन सरकार अभी तक इन लोगों पर ध्यान आकर्षित नहीं किया है। कभी केंद्र सरकार राज्य सरकार की ओर भेज देती है, कभी राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर भेज देती है। एक तरह का देखा महासभा का प्रदेश स्तर की बिरनी प्रखंड में एक बैठक है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं। इस बैठक के माध्यम से आप सबों के चैनल में मैं कुछ संदेश देना चाहता हूं। ये झारखंड राज्य में घटवार घटवाल आदिवासी आदि युगों से यहाँ निवास करते आ रहे हैं और हर दृष्टिकोण से आदिवासी का जो मापदंड है, सारा मापदंड भी पूरा करते हैं। कानून के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से आदिवासियों का जो 5 मापदंड है, भारत सरकार का गाइडलाइन है, वो सभी हमारे जाति के लोग फुलफिल करते हैं। और सूचीबद्ध हम पहले भी थे, राज्य सरकार और भारत सरकार
कभी बोलती है कि राज्य सरकार को अनुशंसा चाहिए, कभी भारत सरकार बोलता है कि हम नहीं करेंगे, राज्य सरकार को अनुशंसा चाहिए, राज्य सरकार बोलते भारत सरकार ही करेगा। हमारी मांग है कि हम लोग इस झांसा में नहीं आएंगे, राज्य सरकार भारत सरकार की। संवैधानिक मांग हमारा बिल्कुल ही एसटी का भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है, और टास्क फोर्स कमेटी ने स्पष्ट किया कि आपका क्लर्कल भूल से छूटा है तो सुधार करने की जिम्मेवारी भारत सरकार के पास बनता है। हम लोग को रूढ़िवाद समझकर, कमजोर समझकर और राजनीतिक से पिछड़े होने के कारण इन लोगों ने हमारी बात को दरकिनार करता है और सिर्फ वोट बैंक के रूप में उन्होंने विधानसभा में उठा देता है, किसी ने पार्लियामेंट में उठा देता है, या किस बहाने घटवार का वोट बैंक हम बना रहे हैं। हम घटवार लोग अभी किसी का वोट बैंक नहीं बनना चाहते हैं, अपना अधिकार, संवैधानिक जो है मौलिक अधिकार, हम लेने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। इसके लिए रणनीति बन रही है, सड़क से लेकर सदन से लेकर न्यायालय तक सभी स्तर पर मेरा लड़ाई चलेगी, और इस बार आर पार की लड़ाई की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये कहकर आप सबको धन्यवाद, जवाब। घटवाल घटवाल आदिवासी महासभा के उपाध्यक्ष जी के पास। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहिएगा सर अपने समाज के लेकर, आज जो बैठक है, मुख्य बैठक का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसमें तो क्या कहा जा सकता है, हम लोग को तो देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले हम लोग का आरक्षण मिलता था, और देश आज़ाद हुआ तो सबसे ऊपर डंडा हमें लोग ऊपर चला, जो कि उस चीज़ से हम लोग वंचित हो गए, जो हम लोग का आरक्षण का जो लाभ जो था, जो एसटीएम सूची में थे, हम लोग को वहाँ से वंचित कर दिया गया। और वह जो सो अब हम लोग को जब पता चला है, हम लोग अपने पैर पर जो खड़े हुए हैं आंदोलन के माध्यम से, ऑफिस के चक्कर काटने के बाद पता चला है कि वह जो सो हम लोग का 1956 से हम लोग को यह सूची से हटा दिया गया है, सूची से वंचित कर दिया गया, हम लोग को लाभ से वंचित कर दिया गया। और आरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि आज जितने भी हम लोग घटवार समाज के लोग हैं, जंगल और पहाड़ों में बसे हुए हैं, अभी भी नदी और नाले के पानी पी रहे हैं, आज भी समाज के हम लोग मुख्य धारे से भटके हुए हैं, आज भी समाज में हम लोग जुड़े हुए नहीं तो हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, नहीं हम लोग और दूसरे तरह के कोई जो सरकारी जॉब वगैरह हो, विभिन्न तरह के चीज़ों में हम लोग पीछे हैं, आज शिक्षा से बहुत तरह से भी पिछड़े हुए हैं। और ऐसे समाज को यह जो सरकार अगर इसको लाभ नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे में आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, एक आंदोलन हम लोग किए थे दिलवा में, अपने खुद हम अपने रेल चक्का जाम किए, और जाम करने के बाद में उसमें आया भी रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में गठन किया गया, जिसमें टास्क फोर्स गठन किया गया है, उस रिपोर्ट में आया है, जिसमें हमारे विभिन्न जगह में चर्चा में भी चल रहा है, उसमें सारे लोग थे कमेटी में, वह आदिवासी कल्याण शोध संस्थान के लोग भी थे, और उसमें RGI भी, विभिन्न तरह के सभी थे। अब उसमें जो है सभी लोग रह करके जब उस कमेटी को जब वहाँ पे लोकसभा में पेश किया गया, और जब कहा है कि लिपिकीय भूल के चलते छूटा है, तो इसमें हम लोग कहाँ दोषी हैं? हम लोग को मिलना चाहिए वह अधिकार, हम लोग को मिलना चाहिए ताकि हमारा बेटा बेटी और पढ़ लिख सके और आगे बढ़ सके और समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके।